नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक गुम गई है तो SBI की पासबुक जारी करवाने के लिए आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है वो किस तरीके से भरनी है उसका वीडियो मैंने बनाया है। आइए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो का एक फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखा हुआ है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी पासबुक डायरी कहीं पर गुम गई हो और आपको दोबारा डुप्लीकेट डायरी बनानी हो तो सबसे पहले आपको SBI का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म लाना होगा, उसको फिलअप करके बैंक में जाके सबमिट करवाना होगा। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है डुप्लीकेट डायरी का। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है, तो आपको जिस दिन आप जैसे न्यू डुप्लीकेट डायरी बनाना चाहते हो उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी पड़ेगी, जैसे मैं लिख देता हूँ आज की। उसके बाद उस कस्टमर का जिसकी डायरी गुम गई हो उसका यहाँ पर नाम लिख देना है आपको। उसके बाद उसके अकाउंट से जुड़े हुए नंबर होना चाहिए जो उसकी पहले की डायरी में थे, वही नंबर होना चाहिए सेम। उसके बाद उसके वही अकाउंट नंबर जो पहले की डायरी में थे वही अकाउंट नंबर होना चाहिए। उसके बाद ब्रांच का यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, जो भी आपकी ब्रांच है। उसके बाद आपको न्यू डुप्लीकेट पासबुक बनवा रही तो यहाँ पर आपको क्लिक करके ये कॉलम दिख रहा है, यहाँ पर आपको साइन करना है अपने, और इसके पीछे आपको आधार कार्ड की जेरोक्स लगवानी है। और ये बैंक जब ये जो फॉर्म जब आपको फिलिप हो जाए भर जाए पूरा आपसे, उसके बाद ये फॉर्म आपको बैंक में जाके सबमिट करवाना है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।